क्या आपका भी ऐसा हिस्ट्री बना हुआ आता है? अगर आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं तो उसका एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाता है, या फिर यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो कुछ इस तरह का सर्चिंग हिस्ट्री बन जाता है। तो अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप एकदम बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। दोस्तों, हम आज की वीडियो में बताएंगे आपको कि अपने यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री और वॉच हिस्ट्री को डिलीट कैसे कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। तो सिंपली हम सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे। सेटिंग के आइकन पर क्लिक करने के बाद से यहाँ मैनेज ऑल हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ जीमेल आईडी आएगी, तो आप जिस यूट्यूब चैनल का सर्च हिस्ट्री और वॉच हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं इसका सर्च हिस्ट्री और वॉच हिस्ट्री दोनों डिलीट करना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद से कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। यहाँ पर देख सकते हैं पहले लिखा हुआ है सेविंग योर यूट्यूब हिस्ट्री, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद से कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है, एंड देन नीचे आपको आना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वीडियो का वॉच हिस्ट्री भी डिलीट हो, अगर आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं और उसका वॉच हिस्ट्री भी डिलीट करना चाहते हैं, तो इसको टिक कर देंगे। उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका सर्च भी हिस्ट्री डिलीट हो जाए, जो भी आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं वो भी डिलीट हो जाए, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे टिक। उसके बाद यहाँ टर्न अप पर क्लिक कर देंगे। टर्न अप क्लिक करने के बाद से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से पॉज कर देंगे, पॉज पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, सेटिंग इज ऑफ। अब आप जो भी यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखते हैं या किसी भी प्रकार के वीडियो सर्च करते हैं तो आपका वो रिकॉर्ड यूट्यूब नहीं कर पाएगा। इससे ये होगा कि वो सिस्टम में आपका ऑफ हो चुका है। उसके बाद गॉट इट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद मैनेज ऑल हिस्ट्री पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, ये ऑटो डिलीट मोड है, सिंपली इसी पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं कि 36 महीने तक रहेगा आपका सर्च हिस्ट्री और वॉच हिस्ट्री, उसके बाद डिलीट हो जाएगा। या फिर यहाँ पर क्लिक करके आप इसको डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, सिंपली मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे एंड गॉट इट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि आज का जितना सर्च हिस्ट्री है या वॉच हिस्ट्री वो डिलीट हो जाए, तो सिंपली डिलीट टुडे पर क्लिक करेंगे। या फिर चाहते हैं आप कस्टम रेंज पर डिलीट करना चाहें तो सिंपली कस्टम रेंज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आफ्टर पर क्लिक कर देंगे। पहले का डिजिट चूज़ कर लेंगे, जिससे मैं एक तारीख से डिलीट करना चाहता हूं और कितने तारीख तक, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे एंड बिफोर पर क्लिक करेंगे। मैं एक तारीख से 19 तारीख तक डिलीट करना चाहता हूँ, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर डिलीट का बटन आ चुका है। एक तारीख से लेके 19 तारीख तक जितने भी हमने सर्च किया या वॉच किया वो सब चीज़ यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। सिंपली डिलीट पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे डिलीट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। सिंपली गो टू इट पर क्लिक करेंगे और देखिए हमारा सब चीज़ डिलीट हो चुका है। सर्च हिस्ट्री और वॉच हिस्ट्री को हमने ऑफ भी कर दिया है। इसके बाद हम सीधा बैक पर क्लिक कर देंगे। बैक पर क्लिक करने के बाद हम आपको दिखा देते हैं कि क्लियर हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे सब गायब हो चुका है। जितने भी हमने वॉच किया था वीडियो वो सब डिलीट हो चुका है। और सर्च आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे देखिए जितना आ रहा था यहाँ पे सर्च किया हुआ कीवर्ड, जितने भी हमने सर्च किया था वो भी हट चुका है। इस तरह से आई होप दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी YouTube चैनल का सर्च हिस्ट्री और वॉच हिस्ट्री दोनों को डिलीट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं और शेड्यूल भी कर सकते हैं। एंड आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।